अब देखिए सर, ये तो हम लोग को एक तरह से आदत ही पड़ गई है। बढ़ता है फिर कभी 50 पैसा 1 रुपया कम हो जाता है, और पेट्रोल ही नहीं तकरीबन सारी चीज़ें बढ़ी हैं। आप फ्रूट्स लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए। और मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आदमी इनकम टैक्स दे रहा है वो वैट क्यों दे रहा है, सर्विस टैक्स क्यों दे रहा है? कल मैंने गाड़ी की सर्विस कराई है, 4,000 का बिल बना था, मुझे 5100 देने पड़े, 1100 रुपये उस पर मैंने टैक्स दिया है, एजुकेशन सेस भी दिया है, वैट भी दिया है। जब मेरी इनकम से, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी तनख्वाह से कट रहा है, तो ये सारे टैक्सेस क्यों लिए जा रहे हैं? गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, गवर्नमेंट इसको परचेज करती है, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, तो आदमी के, आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी को तो मंगाना है, लेना है, और जैसे भी है, बस का रेल का किराया बढ़ जाएगा तो उतने पैसे देने जाना है, तो जाओ नहीं तो बैठो घर। पेट्रोल पंप पर हर बार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए मीटर की सुइयां स्पष्ट तौर पर यह बताती हैं कि सुइयों में जिस तरह से फ्लक्चुएशन होता रहता है, उस तरह से जनता की जेब में भी फ्लक्चुएशन होता रहता है। और जनता अब ये बात मानने पर आमादा हो चुकी है कि चाहे रेट बढ़ें या घटें, उसकी सेहत पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी आमदनी का जो जरिया है वो एक जगह पर सीमित है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ न्यूज़ पॉइंट के लिए शैलेश तिवारी।